नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को अपने सी पैनल में लॉगिन करना है। तो जो भी आपका डोमेन नेम है, जैसे आप देख पा रहे हो ये हमारा डोमेन नेम है, तो इस डोमेन नेम में जब भी आप पहले सी पैनल लगा दोगे और एंटर करोगे तो ये आपका सी पैनल लॉगिन खुल जाएगा। ठीक है, अब आपको इस सी पैनल में लॉगिन करना है तो आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया जाएगा। वो यूजर नेम और पासवर्ड आप यूज करेंगे। यहाँ पे जो यूजर नेम है और जो पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। और जैसे ही आप लॉगिन करोगे यहाँ पे आप अपने सी पैनल में लॉगिन हो जाओगे। ये जो सी पैनल है ये कंट्रोल पैनल है, जिसके बेसिस पे आपको ये पता चलेगा कि जब आप हमसे होस्टिंग लोगे आपको कैसे सी पैनल में लॉगिन करके अपने ही डोमेन को मैनेज करना है। फ्यूचर में अगर आपको मल्टीपल डोमेन्स भी ऐड करने हैं तो इसी कंट्रोल पैनल से होगा। फ्यूचर में अगर आपको ईमेल्स बनाने अपने डोमेन के वो भी यहाँ से होगा, और वर्डप्रेस को मैनेज करना है वो भी यहाँ से होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये पता चल गया कि कैसे आपको अपने सी पैनल में लॉगिन करना है, मतलब वेब होस्टिंग के कंट्रोल पैनल में लॉगिन करना है। अगर कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते।